आज से माँ भगवती कहें, देवी के हर रूप की आज से पूजा अर्चना शुरू होगी। देशवासियों को, आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठते उठते जो भेंट मिली देश को, जो तोहफा मिला हम सबको, उसको लेकर आई हूँ। रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 15 रुपए की वृद्धि, ये नवरात्रि के पहले दिन का, देश में त्योहारों की शुरुआत होती है, देश के आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई सबसे त्रस्त है। सोचा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन से उनके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे, उन्हें राहत मिलेगी, और लगता है केंद्र की मोदी सरकार ठान चुकी है कि हमारी पूजा अर्चना ये 9 दिन जो रहेगी उससे शायद भगवान पसीज जाएंगे, भगवान को हम पर दया आ जाएगी, देश के करोड़ों गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो महंगाई बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार को कतई भी मुझे लगता है इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि देश किस दौर से गुजर रहा है। मैं थोड़ा सा मीडिया का ध्यान इस अखबार पे भी ले जाना चाहती हूं। कच्चे तेल में उबाल से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पूछना चाहती हूं मीडिया के साथियों से, ये हेडलाइंस तब क्यों नहीं बनी जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 140 तो हमारे समय पर थी, ये हेडलाइन जब इसी मोदी सरकार में कच्चे तेल की कीमतें 40 भी थी, $40 प्रति बैरल भी थी, तब क्यों नहीं सवाल पूछा कि कच्चे तेल की कीमतों में उबाल नहीं, बिल्कुल नीचे हैं, तब भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर क्यों थे, ये सवाल क्यों नहीं मीडिया पूछता, मैं पूछना चाहती हूं। मैं आपके सामने फिर वही आंकड़े रख रही हूं। 24 सितंबर 2021 से अब तक नौ बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 9 बार। सितंबर पुरानी बात नहीं है, आज की बात कर रही हूं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस का 7 अक्टूबर का, अभी वेबसाइट खोलिए, 7 अक्टूबर सुबह जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आज भारत की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 24 पैसे। और 7 दिन से हम देख रहे हैं, 27 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार दाम रोजाना बढ़ाए हैं, रोजाना। वहीं पर अगर आप डीजल की देखेंगे, 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार दाम बढ़े हैं, और आज राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम 91 रुपीज 77 पैसा है। फिर आप सबसे निवेदन करूंगी, हाथ जोड़कर खोलिए वेबसाइट पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का, 7 अक्टूबर का सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये किया है। ये मेरा नहीं, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का की जानकारी है। मैं आपसे कहूंगी ईमानदारी से, देश हित में एक बार ईमानदारी से अपने टीवी चैनल से कहिए, निष्पक्षता के साथ एक डिबेट करिए ना, बुलाइए कांग्रेस के, हमारे पूर्व जितने भी मंत्री रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और बिठाते हैं निर्मला सीतारमन जी को, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो भी रहे हैं, और आपके आज के बिठाइए ना, श्वेत पत्र लेकर आइए, चर्चा खुलकर करते हैं, डिबेट करते हैं कि किसके समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें क्या थी और देश में क्या कीमतें थी, करिए ना। हम चुनौती दे रहे हैं, हम तैयार हैं, आप तैयार क्यों नहीं है, हम पूछना चाहते हैं। सात अक्टूबर पेट्रोलियम प्राइसेस अंडर रिकवरीज में आपको बता रही हूं, 80.75, ये कच्चे तेल की कीमत आज की है 7 अक्टूबर 2021 को,
80.75 डॉलर प्रति बैरल, कितना है? तुलना करिए ना, आइए, कांग्रेस के समय पर 140 डॉलर प्रति बैरल था 2013 और 14 में, 140 डॉलर प्रति बैरल। आज क्या है, 7 अक्टूबर 2021 को जो मैं आपसे बात कर रही हूं, 80.75 प्रति बैरल। अब कौन सा ज्यादा होता है, 140 ज्यादा होता है या 80 ज्यादा होता है, ये बताना बहुत कठिन तो नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या थी। अब आ जाइए एलपीजी गैस सिलेंडर पे। एलपीजी गैस सिलेंडर का जो कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में पड़ रही है वो 664.27 है। कांग्रेस के समय में, ये चार्ट पेपर मेरे हाथ में है, नकार दीजिए इसको, ये आंकड़े झूठे हैं कह दीजिए, क्योंकि तो ये तो सरकारी वेबसाइट से आपके आंकड़े लेकर उसको प्रिंट आउट निकाल कर रख रही हूं, क्यों अंदर हम कमरों में बैठकर बनाकर हाथ से नहीं लाए ग्राफिक। ये क्या कहता है, ये कहता है कि 2012 में इंटरनेशनल एफओबी प्राइस जो एलपीजी का था 2012-13 में 885.2 था, 2013-14 में आज है जब हमने सरकार छोड़ी थी तो इंटरनेशनल एफओबी प्राइस जो था वो 880.5 था, आज कितना है आपका वेबसाइट बताती है 664 है। अब इनसे पूछिए 800 ज्यादा होता है या 600 ज्यादा होता है। जब 800 था तब पेट्रोल डीजल या एलपीजी की बात करूं इतने दाम नहीं थे, ये तो रिकॉर्ड ब्रेक दाम है। इतिहास उठाकर देखेंगे कभी भी इस देश में आजादी से 70 सालों में 100 रुपए पार पेट्रोल नहीं किया है। एलपीजी गैस का सिलेंडर राज्यों में 1000 रुपए पार कर रहा है। सब्सिडी के नाम पर, फिर सुबह इनकी वेबसाइट पे सब्सिडी, हर पेट्रोल पंप पे करोड़ों रुपए के विज्ञापन, उज्ज्वला योजना, सब्सिडी, राहत, अमीर लोगों को का सब्सिडी छोड़िए, आप छोड़ेंगे तो गरीब को मैं राहत दूंगा। अमीर लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, मध्यम वर्गीय भी सब्सिडी छोड़ दी, क्योंकि देशभक्ति की बात हो रही थी, मध्यम वर्गीय भी मार झेल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाकर सब्सिडी छोड़ने को कहा, छोड़ दी। लेकिन आज सब्सिडी का क्या है, फर्स्ट क्वार्टर में मात्र 108 करोड़ रुपया, 21-22 के फर्स्ट क्वार्टर में सब्सिडी के माध्यम से लोगों के खातों में, गरीब जनधन खाते खुलवाए थे, सब्सिडी आएगी, पैसा आएगा, कितना, 108 करोड़। कहां जा रहा है पैसा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए लखनऊ, एक तरफ हमारे किसानों को कुचला गया, उनकी हत्या की गई लखीमपुरी में, और वहीं पर प्रधानमंत्री जी लखनऊ जाकर होमवर्क देकर आते हैं, होमवर्क देकर आए कि पिछली बार 7 लाख दिए जलाए थे, इस बार 19 लाख दिए जलाने, होमवर्क देकर जा रहा हूं, और आप ऐसा करेंगे तो भगवान श्री राम बहुत खुश होंगे। मैं बात से सहमत हूं, 19 लाख नहीं 29 लाख दिए जलने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं ये 19 लाख, 18 लाख, 80 लाख, जितने भी होमवर्क देंगे करने को सब तैयार है, पर ये दिए पानी से जलेंगे या तेल से जलेंगे ये बता दीजिए। अगर इसे पानी से जलना है तो 134 करोड़ की आबादी 134 दिया पानी से जला सकती है, लेकिन ये तेल से जलते हैं, ये घी से जलेंगे। उस तेल की कीमत क्या है, सरसों के तेल की, 1 लीटर 200 से ऊपर पहुंच चुका है। ये भद्दा मजाक नहीं उड़ाया जा रहा प्रधानमंत्री जी द्वारा उस गरीब मध्यम वर्गियों का, जिन्हें आप होमवर्क देकर लखनऊ में हर चीज को एक इवेंट बनाकर दिल्ली लौट आते हैं, ये उनके जख्मों में नमक रगड़ने जैसा नहीं है, जिसके घर के चूल्हे ठंडे हो गए, जो बेरोजगार है, जो महंगाई की मार झेल रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें कहकर आ जाते हैं इस दिवाली में भगवान श्री राम को खुश करने। प्रधानमंत्री जी, भगवान श्री राम को आप खुश कर सकते हैं, आप पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम
कम करिए जो आपने लगातार बढ़ाए हैं, जो सब्सिडी खातों में नहीं पहुंच रही उसे पहुंचाइए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूं, भगवान श्री राम ही नहीं, आज नवरात्रि का पहला दिन है, नौ देवियों का पूजन होगा, जो नौ दिन आपने दाम बढ़ाए हैं, अगले नौ दिन में हर नवरात्रि में एक एक दिन उस दाम को कम करेंगे तो हमारी ये नौ देवियां भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और देश पे जो कष्ट है वो जरूर कटेगा, ये मेरा विश्वास है। इसीलिए आज उसी आस्था और विश्वास के साथ नवरात्रि के जो पूजा है, तौर है, तरीके हैं, ये कष्ट टले। इसलिए आज जो है हम अपने आस्था कहें, हमारे त्योहार करें, हमारे धार्मिक तौर तरीकों से अपनी बात को रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को कहूंगी, इससे पहले ये पहली प्रेस वार्ता नहीं है, 18 अगस्त को यहीं पर बैठकर महंगाई पर बात की थी, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो पता लगा फिर पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इस प्रेस वार्ता से केंद्र की मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। फर्क पड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है जितनी मर्जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जितना मर्जी हम दिल्ली देश के जनता के मुद्दों को उठा दें, माफी चाहूंगी, मीडिया में नहीं आएगा। मीडिया में अगर आएगा तो ये आएगा कि कच्चे तेल की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये नहीं बता रहे पूरी खबर में कि कच्चे तेल की कीमतों के बाद अगर आप बात करेंगे, कच्चे तेल के बाद जिसकी कीमत 80.75 प्रति डॉलर है, उसके मुताबिक देश में पेट्रोल की कीमत 41 रुपए है, बाकी सारा क्या है, 103 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो है वो 41 रुपए है, तो बाकी क्या है? ये टैक्स है। ये नहीं बताया इसमें, ये किसी अखबार में नहीं बताया हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ गई, इसलिए जब कीमत घटी तब का दाम घटाए, नहीं घटाए, क्यों नहीं घटाए पूछने का हम हिम्मत नहीं दिखा पा रहे और आज भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि टैक्स कितना है। कीमत बढ़ी आज 80 रुपए बहुत ज्यादा है, 140 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा नहीं था, 80 ज्यादा है। 80 अगर ज्यादा है तो उसमें 41 रुपए का पेट्रोल 103 का मिल रहा है, ये टैक्स है। 24 लाख करोड़ आपने पिछले 7 साल में कमाया है, हम बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आंकड़े बदलते नहीं है, हालात भी नहीं बदल रहे, 24 लाख करोड़ आपने कमाया और हमें तो ये कहा गया कि मुफ्त वैक्सीन के लिए लगाई जा रही है, और फिर पता लगा ये 24 लाख करोड़ से ही हमें वैक्सीन लग रही है, फिर काहे का मुफ्त का वैक्सीन, काहे का धन्यवाद मोदी, ये तो हमारी ही एक जेब से आपने निकाल कर हमें टीका लगा दिया, या चूना लगा दिया मैं कहूंगी। तो आप सभी साथियों से मैं हाथ जोड़कर कहूंगी, कुछ मीडिया वालों के ट्वीट आए, कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं, सरकार का तो कोई हाथ ही नहीं उसमें। तो पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जब होर्डिंग लग रहे थे पूरे देश में, चुनाव प्रचार प्रसार वोट मांगे जा रहे थे, क्या नारा था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और अगर ये दाम कंपनियां, निजी कंपनियां बढ़ा रही हैं और उन्हें ही कम करना है, तो फिर नारा बदल दीजिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार पूंजीपति मित्रों की खुलकर सरकार, जब वही दाम बढ़ा रहे हैं, वही कम कर रहे हैं, तो आपको सरकार में लाकर ये नारा तो फिर बदल जाना चाहिए। पूंजीपति मित्रों को बैठा देते हैं, तेल कंपनियों के मालिकों को अगले पोस्टर में मोदी जी अपना फोटो हटा दीजिए, जो तेल कंपनियों के मालिक हैं उनकी फोटो लगा दीजिए, ताकि ये धोखा ना हो। अब हम उनसे मांग करेंगे कि जब बढ़ा आप रहे हैं, कम आपने करने, और महंगाई की मार आपकी वजह से है, तो मोदी सरकार के नारों पर हम कहेंगे। टैक्स लगातार बढ़ रहा है, सब्सिडी पूरी तरह से खत्म की जा रही है, मार लगातार बढ़ती कीमतों की लोगों को पड़ रही है। मैं आप पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर कहूंगी, दिल्ली में जब बैठते तो ये सोचकर बैठते कि हम दिल्ली देश के मीडिया से बात कर रहे हैं, और ये बात हर राज्य के, हर राजधानी के, हर जिला तक विपक्ष की आवाज जो देश के लोगों के लिए उठ रही है वो पहुंचेगी, और वहां से सत्ता के कानों तक पहुंचेगी। लेकिन हम मजबूर हुए, कल मैं हरियाणा के चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई, उससे पहले शिमला,
हिमाचल के शिमला में गई, अब मैं पंजाब जा रही हूं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता देश की राजधानियों में जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर है। क्यों? मजबूर शब्द यूज करी, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यहां से जो हमने बात दिल्ली या नोएडा के मीडिया से कर दी है, जो देश को यहां से कवर करता है, वो खबरें पहुंचेंगी कि हम लोगों के इस दर्द को समझ रहे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम इस दिल्ली बैठी सोती सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो खबर नीचे तक नहीं है। इसलिए हम मजबूर हैं कि हम देश के हर जिले में जा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां नहीं तो वहां पर भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, पता नहीं पत्रकार साथियों की तरफ से ये मांग क्यों नहीं होती, मिल जाइए ना एक बार, सब लोग मांग करिए कि प्रधानमंत्री जी अब तो बहुत हो गया, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दीजिए, विपक्ष को जवाब दे ही दीजिए। राहुल गांधी जी आपके बीच में कल भी थे, मीडिया बात करना चाहता है, मीडिया के अपने सवाल नहीं है, मीडिया जो सवाल पूछता है वो देश की जनता के बीच में उनके मुद्दे हैं, उनके सवाल लेकर जवाब सत्ता से चाहता है, लेकिन ना आपसे सवाल लिए जा रहे हैं और ना आपको जवाब मिल रहा है। और ये आप और मोदी सरकार, भाजपा सरकार की बात नहीं है, ये देश के ज्वलंत मुद्दों पे उठ रहे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और ये ज्वाला जो है, ये सवालों की जो ज्वाला है आपके मन में भी, और देशवासी जो जवाब की आस में 7 सालों से बैठे, भड़क रही है, भड़क रही है। तो मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, ईमानदारी से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि ये जो अखबारें हैं उठाएं तो एक निष्पक्षता के साथ आंकलन किया हो, पूरी निष्पक्षता के साथ, कि हाँ 12 और 13 में सच में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या था, देश में कीमतें क्या थी, सब्सिडी कौन कितनी दे रहा था, कितने टैक्स में किसने कितना रुपया खजाने में डाला और उसे कहां खर्च किया, एक पूरी मैं कहती हूं निष्पक्षता के साथ देश को आगे रखते हुए एक आंकलन कर दीजिए, ताकि देश भी गुमराह ना हो। और जो मोदी जी कहकर आए दिए जलें, वो दिए जल पाए, ये हम भी चाहते हैं आप सभी से। धन्यवाद। देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा, आज से नवरात्रि शुरू है, आज से लोग पूजा पाठ और पूरी तरह त्योहार की तरफ बढ़ते हैं, अपने कष्ट कटें, उनके जो दुख हैं, परेशानियां हैं वो कटें। तो ये सबसे बड़ा दुख और परेशानी लेकर आया है, नवरात्रि का पहला दिन है और आज ये कष्ट कटने हैं, आप समझ रहे हैं। तो आज जो नवरात्रि का तौर तरीका है, जो प्रधानमंत्री जी होमवर्क देकर आए, श्री राम भगवान खुश होंगे, 19 लाख दिए जलें, वो पानी से नहीं जलेंगे। तो अगर वो उस तरीके से बात करते हैं तो हम भी उन्हीं के तौर तरीकों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कष्ट है, उम्मीद करते हैं 9 दिन की जो नवरात्रि है, उस 9 दिन में आज उम्मीद थी 15 रुपए कम हुए वाली खबर होती तो हम कहते कि पहले नवरात्रि में हमारी पूजा, हमारी आस्था, जो शायद इस सरकार पे भी कुछ लोगों की है, वो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, 15 रुपए कम हो गए, दूसरी नवरात्रि में दूसरा कष्ट टलेगा, 15 रुपए और कम होंगे, तीसरी नवरात्रि तीसरा दिन, पर मिल क्या रहा है, पहली नवरात्रि पहला दिन 15 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ के पूरे देश में अगर आप देखेंगे 1000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो एक कष्ट टालने के लिए हम पूरे 9 दिन नवरात्रि के केंद्र की मोदी सरकार से भी दुआ प्रार्थनाएं हाथ जोड़कर करेंगे कि इस देश के लोगों के कष्ट काटिए, वरना माँ दुर्गा हमारी जो भी हैं, ये दैत्य बनकर जो महंगाई हमारे सामने खड़ी है, हम यही कहेंगे माँ भगवती इस महंगाई दैत्य जो हमारे सामने चुनौती दे रहा है बार बार, या इसको जो दैत्य को हमारे सामने बार बार खड़े करने वाला एक बड़ा दैत्य है, उसका नाश करें इस देश के लिए। धन्यवाद। सर, हम लोग पूरे 9 दिन याद दिलाना चाहते हैं,
मैंने आपको कहा जैसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने और सुप्रिया जी ने की थी, अगले दिन ही दाम बढ़ गए। आज ये 15 रुपए बढ़े हैं, आप समझ रहे हैं। और मुझे तो ये है कि इसे कम होना है दूसरे नवरात्र में, 15 आज का 15 कल का, 30 रुपया कम कर दीजिए। और हमें तो ये लग रहा है ये सरकार जिस तरह से असंवेदनशील हो चुकी है, गरीब मध्यम वर्ग की कोई चिंता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल की अखबार में आप इसे 15 रुपए बढ़ते हुए भी देखें। हम सिर्फ देश के 130 करोड़ खासों से 130 करोड़ में जो 80 करोड़ गरीब हैं, जिन्हें सरकार दावा करती है हमारे अन्नदाताओं के दम पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उसके लिए ये एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जो है उसके चूल्हे को जलने नहीं दे रही, तो आपका जो मुफ्त कच्चा राशन है ना वो उसके पेट तक नहीं जा पा रहा है। तो हमारी तो उम्मीद है, हम रोज उम्मीद करते हैं कि ये 9 दिन यादगार दिन हो जाए, जो आपने पाप किए हैं उन पापों को केंद्र की मोदी सरकार को कहेंगे, जो पाप किया है इनके दाम बढ़ा बढ़ाकर, जो वार किया है गरीब मध्यम वर्गियों पर, आपके पास अपने पाप को धोने का, प्राश्चित करने का, अपने कदमों को वापस लेने के ये समय है कि नवरात्रि के 9 दिन में आप पश्चाताप करें, अपने पापों को धोने का एक अच्छा है डुबकी लगाइए इस 9 दिन में, रोज रोज की 15 रुपए रोज डूबे और अपना जो है गैस के सिलेंडर के दाम कांग्रेस के समय पर कीमतें आपके पास हैं 410 रुपए। तो मुझे उम्मीद है 9 दिन में जरूर। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है बहुत समझदार हैं। महंगाई नाम का दैत्य पैदा किसने किया है, पैदा किसने किया है, तो जो पैदा करने वाला होता है वो बड़ा होता है। तो ये बड़ा दैत्य कौन है, कौन ये महंगाई की मार रोज रोज गरीब और आम आदमी पर डाल रहा है, मध्यम वर्गी को जो मार रहा है, वो देवता नहीं हो सकता ना, वो दैत्य हो सकता है। और महंगाई की मार कौन मार रहा है, समझदार है। और माँ दुर्गा, माँ काली, हमारी 9 देवियों की आज से आराधना पूजा शुरू होगी, सुबह 5 बजे उठकर मैंने भी पूजा की है और माँ दुर्गा से यही कह रही हूं, सरस्वती, दुर्गा, काली, चंडी, हमारी जितनी देवियां हैं, प्रार्थना यही कर रही हूं कि या तो महंगाई के दैत्य का नाश कर, या जो सत्ता में इस महंगाई का दैत्य खड़ा करके आम आदमी पर मार पड़ रहा उसका जो है, मुझे मालूम है माँ ये कहेगी 24 तक रुक जाओ। देखिए लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ वीडियो सबके सामने अब आ चुका है, अब इसमें कोई दो राय नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर खुद सरकार से जवाब किया है और उसे 24 घंटे का समय दिया है। और ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा ही शर्मनाक होगा कि जो कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी, जिस मंत्री को आपको बर्खास्त अब तक कर देना चाहिए था, जिनके बेटे की गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए थी, अब मुझे लगता है इससे शर्मनाक नहीं होगा कि वो सारे काम, वो सारे आदेश हम उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होंगे। ये हमने हाथरस में भी होते हुए देखा है कि ये सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी दिखी है और हमेशा अदालतों से ही राहत मिलने का काम पीड़ितों को हुआ है। लखीमपुर खीरी की लड़ाई आज की नहीं है, हम जान रहे हैं ये किसानों की, अन्नदाताओं की 10 महीने की लड़ाई इन कृषि कानूनों को लेकर है, जो कह रहे हैं हमारे लिए, किसान कहता है बार बार हमारे लिए एक मौत का फरमान है, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और उसी के रूप में हम देखते हैं कभी 26 जनवरी के दिन षड्यंत्र रचकर उन्हें बदनाम किया जाता है, कभी उन्हें षड्यंत्रकारी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार, और कभी पता नहीं क्या क्या उन पे आरोप लगते रहे, और अब यहां तक पहुंच चुके हैं कि आप उन्हें कुचलने की, उनकी हत्या करके उनकी आवाजों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई अनजान आदमी नहीं, केंद्र का
गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा सत्ता और ताकत के दम पर इसे चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। ये लड़ाई बिल्कुल जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र की सरकार हमारे अन्नदाताओं की एक एक मांग को पूरी तरह से मान नहीं लेती है, तब तक कांग्रेस अपने तौर तरीकों से इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। क्या कहा उन्होंने? एक वीडियो शेयर। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हैं चन्नी जी? प्रियंका जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है और चन्नी जी पीछे कर रहे हैं, पूरा अच्छा साइन है ये। शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि क्या ये मातम मनाया जा रहा है? अच्छा, ये वो लोग हमसे पूछ रहे हैं, ये वो लोग पूछ रहे हैं और तब पूछ रहे हैं जब स्वयं देश के प्रधानमंत्री दिल्ली को छोड़कर लखनऊ लखीमपुर खीरी से कुछ दूरी पर थे और वहां पर लोगों से जश्न मना मनाकर उत्सव मनाकर कितने लाख दिए जलेंगे होमवर्क देने का काम कर रहे थे। हम पूछना चाहते हैं ऐसे समय पर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की संवेदनशीलता कहां थी कि चंद कदमों की दूरी पर जिन अन्नदाताओं को आप ही के नेता की गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया, आपके पास एक मिनट का समय नहीं था कि उनके लिए ट्वीट कर पाते, उनके परिवार से फोन पे बात कर पाते, आप उनके पास जाके संवेदनाएं जता पाते? आपने तो पूरी तरह असंवेदनशीलता दिखाते हुए उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हम सवाल पूछना चाहते हैं। अभी दो फिल्मी सितारे जो हैं उनके ऊपर उनका एक नेचुरल डेथ हुई उनकी, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बहुत दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा, ठीक है, संवेदनाएं होनी चाहिए, लेकिन ये संवेदनाएं तब कहाँ चली जाती हैं जब हमारी नाबालिग बेटियों के बलात्कारों के बाद हत्या होती है, जब हमारे अन्नदाताओं को आप ही के नेता गाड़ियों के नीचे कुचलने का प्रयास करते हैं, तब आपकी संवेदनाएं कहाँ जाती हैं? हम पूछना चाहते हैं। और बिल्कुल मैं कह रही हूं, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यह देश कह रहा है कि प्रियंका गांधी जी दिल्ली नहीं बैठी रही सूचना के बाद, उस घटना के बाद। रात को ही उन्होंने कुछ घंटों के बीच में फैसला किया कि वो दिल्ली नहीं बैठेंगी, वो लखीमपुर खीरी किसान परिवारों के बीच में पहुंचकर उनकी उसे न्याय दिलाने की लड़ाई को आगे ले जाएंगी, और वो निकली भाई। और उसके बाद क्या हुआ ये सबके सामने है। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लकुर जी ने कहा कि ये पूरी तरह से प्रियंका जी की गिरफ्तारी और इन्हें इस तरह से रखना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी काम खुद स्वयं सत्ता कर रही है, मुख दर्शक बनकर हम बैठे हुए। आपने ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पंजाब के सीएम ने क्या कहा, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता था आपको ये भी पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की चुने हुए मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को लखनऊ के एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उन्हें वहीं से वापस लौटा दिया जाता है। अगले दिन दो मुख्यमंत्री और श्री राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, उनको तब संघर्ष करना पड़ता है, मीडिया के माध्यम से एक लोगों तक आवाज पहुंची, दबाव बना, मजबूर होना पड़ा, घुटनों पर आना पड़ा सरकार को, तब इजाजत मिली। और सिर्फ कांग्रेस हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को बंदी बनाया गया, राहुल जी को मुख्यमंत्री पंजाब और छत्तीसगढ़ को रोका गया, बाकी राजनीतिक दलों के नेता तो बिल्कुल वहां पर पहुंच के फोटो खिंचवा रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दल आपको लाभ देते हुए दिख रहे हैं, वो तस्वीरें आपको राजनीतिक लाभ 2022 के चुनावों में देखते हुए मिल रही हैं। इंटरनेट की सुविधाएं आपने बंद कर ली, ड्रोन से जासूसी की, वकीलों को प्रियंका गांधी जी से नहीं मिलने दिया। तो मैं पूछती हूं, इस देश में बड़े सवाल क्या है? बड़े सवाल क्या है? बड़े सवाल वो जो देश में उठ रहे हैं, या बड़े सवाल वो है जो भाजपा के नेता पूछ लेते हैं और वो हेडलाइन बन जाते हैं और वो बड़ा सवाल हो जाता है? मुझे लगता है हमारे पत्रकार साथी अपने अनुभव के साथ इतनी बात समझते हैं कि बड़े सवाल इस देश के हैं क्या और कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा नहीं पूछना। मैं मान सकती हूं कहीं ना कहीं एक दबाव मजबूरी है कि हेडलाइन यही बनेगी, सवाल पहले पन्ने पर यही पूछा जाएगा जो सत्ता विपक्ष से पूछ रहा है,
मालूम है, पर कम से कम ये उम्मीद करते कि दूसरे पन्ने पर जो देश के सवाल, देश के मुद्दे हैं, जो विपक्ष सत्ता से पूछ रहा है, जो जवाब वहीं से आएगा, उसे दूसरे पन्ने पर उसकी भी हेडलाइन, ताकि अखबार का पन्ना अगर हम पलटें तो लगे कि कहीं ना कहीं चलिए दबाव है पर दूसरे पन्ने पर है, पर दूसरे पन्ने पर नहीं है, पूरी तरह से गायब है, पूरी तरह से वो गायब है। धन्यवाद। या हाँ देखिए, मैं तो फिर कह रही हूं, मुझे तो लगता है मोदी जी का नाम बदल देना चाहिए। ये नाम जब से प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, इस देश का बुरा समय शुरू हो गया है। ये नाम के अक्षर बदल दें, या नाम में होता ना अल्फाबेट को ज्यादा डाल लो, कम कर लो। मोदी जी को कहूंगी किसी आप एक्सपर्ट को अपने नाम के शब्दों का दिखाइए, क्योंकि ये नाम जो बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका जो कहते हैं ना एक प्रकोप जो है, इस नाम की जो नेगेटिविटी है वो हमारे देश पर हावी होते हुए पिछले 7 साल से देख रही है कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, आप सरहदों पे आपको चुनौती मिल रही है, नशे का पूरा धंधा देश को बर्बाद कर रहा है, आप पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी नाम सड़कों के, जिम कॉर्बेट के, इसके उसके बदलने से अच्छा होगा एक तांत्रिक को बुलाकर अपना नाम बदल दीजिए, भला हो जाएगा। 24 में तो हम बदल ही देंगे, पर 2 साल और भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो खुद किसी के एक्सपर्ट ले ले, फीस की बात होगी, जनता उसमें कंट्रीब्यूट कर लेगी। देखिए देखिए, हम क्या कर सकते थे, हमने किया। जब संसद का सत्र चल रहा था, राहुल जी विपक्ष को पूरा एकजुट करके साइकिल के माध्यम से पार्लियामेंट पहुंचे, किसानों के मुद्दे पर डीजल के दामों को लेकर ट्रैक्टर को भी पहुंचे, सड़कों पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जो लोकतांत्रिक तौर तरीके हैं, बिना हिंसक हुए, लगातार प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, जो हमारे तरीके हैं, हमारे अधिकार है लोकतंत्र में, आप समझ रहे हैं, प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि हताश निराश मत होइए। मालूम है आप बेरोजगारी महंगाई की मार झेल रहे, पर हम आपकी आवाज को सोती सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है वो हताश निराश आदमी देश का अपनी हिम्मत जब हारता है तो क्या होगा। आत्महत्याएं कर रहे हैं हमारे युवा, आत्महत्याएं कर रहे हैं, हताश निराश होकर नशे की लत में जा रहे हैं, और वो नशे की सप्लाई, हाथ में रोजगार रखने का वायदा था और हर हाथ में चिट्टा रखा जा रहा है। मैं गई हूं अभी शिमला में, बिल्कुल जेपी नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी हिमाचल से आते हैं, अनुराग ठाकुर उसी हिमाचल से आते हैं, हिमाचल के अंदर, मैं नहीं, हिमाचल की पुलिस, शिमला पुलिस ने मेरे वहां जाने से 3 दिन पहले बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि हमने 300 किलो हीरोइन पकड़ी है, ये शिमला पुलिस ने कहा है, और यही नहीं कहा, उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति, आप ढूंढिए निकालिए, मिल जाएगा, शिमला पुलिस ने यह भी कहा, उन्हें यह भी पता है कि अफगानिस्तान, ईरान के माध्यम से गुजरात के बॉर्डर पे जो उतर रहा है नशा, वहां से आ रही है, पुलिस ने कहा है, और वहां पर अफगान नागरिकों को पकड़ा भी है, आप समझ रहे हैं। और दो नेता जो शिमला हिमाचल से दिल्ली में बैठे हैं, जिन्होंने वहां के युवाओं के हाथ पे रोजगार रखने की बात कही थी, वो वहां पर उनकी हथेली पे चिट्टा और नशा रख रहे हैं, और यहां पर उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वहां से सवाल पूछा था। मैं आपको कह रही हूं, ये देश बारूद के ढेर पे खड़ा है, मैं इसलिए ये जिम्मेदारी से कह रही हूं, ये देश बारूद के ढेर पे खड़ा है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि भारत को एक युवा देश कहा जाता है, क्योंकि इस देश की आबादी युवाओं की सबसे अधिक है, और वो युवा में 14 करोड़ युवा बेरोजगार है। उस बेरोजगार युवा के पास अभी भी हम लोगों ने कहा अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी के माध्यम से किन किन के खातों में 8,540 करोड़ आया है, अंतरराष्ट्रीय, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से हीरोइन नशा आ रहा है, हमारा युवा बेरोजगार है। आप सोच लीजिए, अगर ये पैसा, ये नशा, तो आपकी जो ताकत है, इस देश का युवा, ये बारूद के ढेर पे खड़े हैं, ये बर्बादी की ओर ले जा रहा है, और ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहां से पैसा आ रहा है, किसके खातों में जा रहा है। अभी आपने जो मुंबई में हुआ उसकी भी वीडियो आ गई है, किस तरह से भाजपा के 2 कार्यकर्ता और उन कार्यकर्ताओं की पहुंच, देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री तक तस्वीरें हैं, बॉडी लैंग्वेज देखिएगा,
तो खेल कितना बड़ा षड्यंत्र कितना बड़ा रचा जा रहा है मात्र देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि सत्ता के पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी महंगाई इन सब का कोई जवाब नहीं है, इसलिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोशिश थी कि मीडिया में मुंबई प्राकरण जो नशा पकड़ा गया है पता नहीं कितने 2-3 ग्राम का है ना, उसको मुद्दा बना दिया जाए, वो लखीमपुर खीरी बीच में आ गया तो वो मुद्दा, और उसमें पता लगा भाजपा के खुद कार्यकर्ता उस शिप में थे, उसके दफ्तर में थे जहां पर नशा अधिकारी थे, पकड़ के लाने वाले वो भाजपा के अधिकारी थे, जैसे वहां पर जो है उनके अधिकारियों के पास जो है कर्मचारियों की कमी पड़ गई तो भाजपा मुख्यालय से उनके 2 कार्यकर्ताओं को बुलाया, और सबसे उन्हें बुलाया जो गृहमंत्री प्रधानमंत्री के करीबी थे, तस्वीरें तो यही बताते हैं, उन्हें बुलाकर उनकी मदद ली गई। तो इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी सरकार है, इतने बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पर मैं फिर हाथ जोड़कर उम्मीद करूंगी देश के मीडिया की जो छवि है उसे बचा लीजिए, जो आप पे विश्वास है, जो आप पे आस्था है, कलम चलाइए और बचा लीजिए उसको, बचा लीजिए। देखिए महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी, कब करेगी, वो महाराष्ट्र सरकार से जरूर आप महाराष्ट्र में पूछिए, वहां के मीडिया जो बैठे पूछिए, और जवाब वहां से आना चाहिए। पर हम ये कह रहे हैं सारी उम्मीदें विपक्ष कांग्रेस की सरकार, वो जो विभाग है, वो विभाग क्या महाराष्ट्र सरकार के अधीन काम करता है? क्या उन्होंने कहा भाजपा के 2 कार्यकर्ता जो सबसे करीब हैं प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री की, उनकी मदद लीजिए उन्हें पकड़ने में? ये किसकी संस्था है, किसके अधीन काम करती है, किसके आदेश पे काम करती है? क्या उनकी निष्पक्षता और पारदर्शिता थी इस पूरे प्रकरण में? मैं ये कह रही हूं सवाल बहुत होंगे, जहां हम विपक्ष में हैं वह हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, आप छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, चलिए आप तमिलनाडु, झारखंड की भी बात करते हैं। मैं कहती हूं विपक्ष उठाता क्यों नहीं ये सवाल, क्यों नहीं उठाता, क्यों हर प्रेस वार्ता में मीडिया के माध्यम से हमसे पूछवाता है ताकि हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो चौथे पन्ने पर चले जाए और ये जो सवाल पूछा और इसका जवाब पूरे टॉप पर रहे? पूछिए ना, लोकतंत्र है, हमारी सरकारें जवाब देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरती नहीं। हमारे मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब रहे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम चुनौती दे रहे हैं, हिम्मत दिखाइए, बहुत से सवाल हैं ये जो जवाब आपको विपक्ष से पूछने चाहिए, जो वहां पर है विपक्ष महाराष्ट्र। तो आप देख रहे हैं ना कितना लोकतंत्र भाजपा के अंदर है। माफी चाहूंगी, हमारे यहां पर बारी बारी सवाल G23 किया जाता और हर बार बात किया गया कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहां पर बात होती है और सुनी जाती है। और जहां तक श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उन सबको बुलाया, घर पे बुलाया, मीटिंग हुई, बात की, और समय आने पर जो जो कार्रवाई या काम करने हैं संगठन को करने के लिए वो करेंगे। लेकिन भाजपा में आप खुद देख रहे हैं कि वरुण गांधी जी हो, मेनका गांधी जी भी हो, लखीमपुर खीरी में सरेआम कुचला गया किसानों को, अगर बात करते हैं तो उनकी बात को सुने जाना चाहिए था, उस मंत्री को अब तक बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, उनके बेटे की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई मंत्री और उसके बेटे पे नहीं भाजपा के नेताओं पर ही कर दी गई, उन्होंने बाहर कर दिया गया। अब मैं सुझाव देना चाहती हूं वरुण गांधी जी, थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है? और आप जो लड़ाई अब ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किए किसानों के साथ हुए अन्याय, उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, कुचला गया, अगर आप सच में उसको लेकर ईमानदार है तो निकल आइए भाजपा से बाहर और सड़कों में उस अन्नदाता के साथ उसका किसान का झंडा लेकर उसकी आवाज को बुलंद करिए। अगर सच में आपकी ईमानदारी है, अगर फिर आपको लगता है नहीं भाजपा आपको फिर सोच रही है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बना ही देगी इस आस में अगर आप बैठे हैं, तो मुझे लगता है ये आपकी गलतफहमी है, अब आपको फैसला ले लेना चाहिए। मैं कोई नहीं होती किसी को निमंत्रण देने वाली, ज्वाइन कराने वाली, ये फैसला वरुण गांधी जी और कांग्रेस का होगा और जब जो समय आएगा उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। देखिए मैं आपको फिर कह रही हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जम्मू कश्मीर का आप जिक्र कर रहे हैं, देश के कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है,
अब फिर मैं कहूंगी, जम्मू कश्मीर जब आप शब्द करते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आ जाना चाहिए कि ये सवाल करना किससे चाहिए, उनसे जिन्होंने वहां पर लोकतंत्र की हत्या करके एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया, उस भाजपा से सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस भाजपा जिसने वहां राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है, जिनका गवर्नर वहां नियुक्त किया गया है, अगर वहां यह हिंसा हो रही है तो यह सवाल किससे करना चाहिए? क्या गृह मंत्री से सवाल नहीं करना चाहिए कि अब तो जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में है और आपके मुताबिक है? 370 खत्म किया, राष्ट्रपति शासन लगाया, पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, वहां पर आपने इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी, लोगों को जिसने आवाज उठाई लोकतंत्र में उसे आपने बंदी बना दिया। और आज की सच्चाई और हालत यह है कि हमारे लद्दाख हो, जम्मू और कश्मीर हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हो, हमें लगातार चुनौती दे रहे, और हमारे घर के अंदर भी हमारे देश के रक्षा मंत्री कहें, गृह मंत्री कहें, प्रधानमंत्री कहें, वहां का राज्यपाल कहें, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद अगर ये सब होता है तो कटघरे में या सवाल विपक्ष से नहीं सत्ता से पूछने की हिम्मत होनी चाहिए, और हिम्मत तब तक करनी चाहिए जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता है और वहां पर हिंसा पूरी तरह रुक नहीं जाती है और जिंदगियां वापस लोकतांत्रिक तरीकों से पटरी पर नहीं आ जाती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों। है।